किसान भाई, आप सब लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में बायोबीटा का प्रयोग करने के क्या क्या फायदे होते हैं, धान की फसल में बायोबीटा का प्रयोग करना चाहिए, अगर करना है तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले। तो इसकी आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि बायोबीटा के प्रयोग में क्या सही समय पीरियड में प्रयोग करना है, क्या इसका सही समय पीरियड है, क्या इसकी सही डोज है, और हम अगर इसका प्रयोग करें तो इससे क्या क्या फायदे हैं, और कितने समय के बाद हमें धान में प्रयोग करना चाहिए, बायोबीटा का प्रयोग हमें कितने समय पर करना चाहिए। तो इस वीडियो का पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुंच सके, वो अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सके। आइए हम शुरू करते हैं किसान भाई, की धान की फसल में बायोबीटा का प्रयोग हमें क्यों करना है। काफी हमारे किसान भाइयों का सवाल है, हम बायोबीटा का प्रयोग क्यों करते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि जैसे कि हम फसल चक्र नहीं अपनाते हैं, एक बहुत बड़ा रीजन है, काफी हमारे किसान भाइयों को पता भी है, कुछ हमारे किसान भाइयों को नहीं पता है कि जब हम फसल चक्र नहीं अपनाते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं उत्पादन होता है वो कहीं ना कहीं कम निकल करके आता है, जिससे कि हमारी जो फसल होती है हम उसी फसल पे दूसरी फसल तीसरी फसल सेम फसल लगाते रहते हैं, जिस वजह से हमारी जो उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। तो उस हम कमी क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि हम ऐसे सारे पोषक तत्व होते हैं जिनका हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारी काफी ज्यादा घाटा देखने को मिलता है, हमारा उत्पादन कम निकल करके आता है। अब बात करते हैं कि बायोबीटा हमारी धान की फसल में क्या कार्य करता है। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बायोबीटा जो हमारी धान की फसल है उसकी टिलरिंग को बढ़ाने में काफी ज्यादा सहायता करता है, उसके जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने में काफी ज्यादा सहायता करता है, जो जड़ है उनको काफी ज्यादा फैलाने में कार्य करता है, क्योंकि अगर हमारी जड़ें अच्छी तरीके से फैलेंगी जमीन के अंदर तो उसमें जो उत्पादन आएगा काफी अच्छा निकल करके आएगा। जड़ें फैलेंगी तो हमारा जो टिलरिंग होगी वो भी ज्यादा होगी और हमारी जो ग्रोथ होगी वो भी कहीं ज्यादा निकल करके आएगी। और दूसरी चीज एक और है किसान भाई, जो कि हमारी जो धान की फसल है उसमें चमक प्रदान करने में काफी ज्यादा सहायता करता है, जिससे कि आपने देखा होगा जो हमारी धान की कटाई होती है उसके बाद में जो चमक आती है उसमें प्रदान करने में काफी ज्यादा सहायता करता है। किसान भाई, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो बायोबीटा है उसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं, करीब 55 से 60 ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक होते हैं। अब मैं बात करूं किसान भाइयों बायोबीटा में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो इसमें एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, साइटोकोरेंस होता है, अमीनो एसिड होता है, जिबरेलिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है। जिबरेलिक एसिड काफी ज्यादा हमारी धान की फसल को अति आवश्यक है, काफी हमारे किसान भाई को पता है जिबरेलिक एसिड के क्या कार्य है। तो किसान भाई, कहीं ना कहीं हमारी जो जमीन होती है उसमें प्रोटीन की कमी होती है, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जिनकी अगर हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो हमारी जो धान के उत्पादन में जो कमी देखने को मिलती है। तो अगर हम जो बायोबीटा का हम प्रयोग करते हैं तो हमारी जो कमी होती है वो कहीं ना कहीं पूर्ति हो जाती है, जिससे हमारी धान की फसल में अच्छा प्रयोग अच्छा उत्पादन निकल करके ले सकते हैं। कुछ हमारे किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं, अगर जो हमारे किसान भाई नहीं करते तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अगर आप धान से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो तो आप बायोबीटा का प्रयोग साल में एक बार जरूर करिएगा, क्योंकि हम धान में अगर करते हैं इसका प्रयोग तो उस हमारे उत्पादन काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी, कम से कम 20-25% आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको करना ही, अगर आप चाहते हैं धान में अच्छा उत्पादन लेना तो आप अवश्य करिएगा बायोबीटा का प्रयोग। अब बात कर लेते हैं क्या इसकी सही डोज है, क्या इसकी सही मात्रा है। तो किसान भाई, मैं सही डोज जो सही समय पीरियड की बात करूं पहले, तो जब हम धान की फसल की रोपाई करते हैं, जैसे कि हमने आज धान की फसल की रोपाई करी, उससे करीब 15 से 20 लास्ट 25 दिन में आपको बायोबीटा का प्रयोग अवश्य कर देना है, क्योंकि उस समय पर हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है, हम उस समय पर प्रोटीन्स की जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति कर देते हैं, या जिबरेलिक एसिड की या अमीनो एसिड की, बहुत सारे ऐसे जो पोषक तत्व हैं जिनकी कमी हमारी जमीन के अंदर होती है, अगर हम उनकी पूर्ति कर देते हैं तो हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो अच्छी स्टार्ट होती है। अगर हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी तो हमारा उत्पादन भी कहीं ना कहीं ज्यादा निकल करके आएगा। तो किसान भी आपको 15 से 20 दिन या 25 दिन में लास्ट बायोबीटा का प्रयोग कर देना। बात करते हैं क्या इसकी सही डोज है, क्या इसकी सही मात्रा है। काफी हमारे किसान भाई इस पर भी गलती करते हैं, काफी हमारे किसान भाइयों का कमेंट आए थे कि क्या इसकी सही मात्रा प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप बायोबीटा का प्रयोग कर रहे हो तो आपको बायोबीटा 5 से 7 किलोग्राम लेकर के आना है। ध्यान रखें किसान भाई, 5 से 7 किलोग्राम बायोबीटा लेकर आना है। आप 5 किलो भी ले सकते हैं, 6 किलो भी ले सक्ते हैं, अगर आपकी जमीन में ज्यादा कमी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, या आपको लग रहा है कि आपका धान की वेजिटेटिव ग्रोथ रुकी है, टिलरिंग नहीं हो रही, तो आप 7 किलोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको करीब 170 से लेकर 180 लीटर पानी में घोल तैयार करना है, उसका स्प्रे कर देना है। किसान भाई, जब आप बायोबीटा का प्रयोग कर देंगे तो आपकी जो टिलरिंग होगी वो बहुत ही अच्छी निकल कर गई, आपका धान एकदम हरा भरा दिखाई देगा। जैसा कि आपने देखा हो आपका धान में पीलापन दिखाई देता है और आपके धान की हाइट कहीं पे छोटी बड़ी हो जाती है और टिलरिंग रुक जाती है। तो किसान भाई, अगर आप बायोबीटा का प्रयोग कर देते हो तो आपकी टिलरिंग
शानदार होगी। आपको जो साइज छोटा बड़ा रह गया था वो एक बराबर साइज देखने को मिलेगा और आपका धान एकदम हरा भरा चमकीला दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप बायोबीटा का प्रयोग कर सकते हैं। काफी हमारे किसान भाई का सवाल है कि क्या कितने प्राइस में ये मार्केट में मिलता है, तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूंगा 700 से लेकर 800 रुपए में आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा और आपका कोई ज्यादा खर्चा नहीं। अगर आप एक बार प्रयोग करते हैं तो अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई उम्मीद करता हूं मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारी वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा जिससे हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुंच सके, वो अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सके। किसान भाई अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाई नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।